खाद्यान्न उत्पादन में भारत दुनिया के शीर्ष उत्पादकों में से एक है और दूध उत्पादन में सबसे ऊपर है। लेकिन इसी देश में आज भी भुखमरी से लोगों की मौत हो जाती है और करोड़ों लोग कुपोषण के शिकार हैं। आज़ादी के समय खेती का जीडीपी में 50% योगदान था और देश की 80% जनता कृषि पर निर्भर थी। लेकिन साल 2016 तक आते आते इन आंकड़ों में भारी बदलाव आया। अब 80% के बजाय 50% लोग कृषि पर निर्भर हैं और जीडीपी में योगदान घटकर 15.4% रह गया है। हालांकि खाद्यान्न उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हुई है। आज हालात ये हैं कि हिंदुस्तान दुनिया के शीर्ष खाद्यान्न उत्पादकों में से एक है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 सालों में गेहूं के उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर रहा है, पहले नंबर पर चीन है। चावल के उत्पादन में भी भारत दूसरे नंबर पर रहा है, पहले नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया। दालों के उत्पादन में भी भारत पहले नंबर पर है। लेकिन इस सब के बावजूद दालों की कीमतें जब तब आसमान छूती हैं और हमें अक्सर दालें आयात करनी पड़ती हैं। साल 2013 में भारत में दाल का उत्पादन पूरी दुनिया के उत्पादन का 25% था। दूध के उत्पादन में भी भारत पहले नंबर पर है, लेकिन फिर भी देश की 15% जनता कुपोषण की शिकार है। अगर कृषि उत्पादन में भारत अव्वल है तो कुपोषण से पीड़ित देशों की लिस्ट में भी हमारा देश पीछे नहीं है। कुपोषण के शिकार 5 साल से कम उम्र के बच्चों की लिस्ट में भारत 7वें नंबर पर है। दुनिया का हर 4 में से एक कुपोषित बच्चा हिंदुस्तान में है। इसकी वजह से ग्रामीण इलाकों के बच्चे ज्यादातर अस्वस्थ होते हैं और कामकाज में सक्षम नहीं होते। तमाम सरकारों ने इस समस्या को सुलझाने का प्रयास किया है। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 2/3 नागरिकों को 2 समय का भोजन मुहैया कराने की कोशिश की गई थी। समस्या भारत में खाद्यान्न की बर्बादी और उसके खराब वितरण की है, क्योंकि खेती में निवेश लगातार कम होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।